हरियाणा के बजट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बहस छिड़ी हुई है। रविवार को करनाल के कांचा गांव में पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में हरियाणा के बजट पर सुरजेवाला के बयान को लेकर कहा कि सुरजेवाला का मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है, उसको ठीक करना पड़ेगा। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुरजेवाला को लेकर क्या कहा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा कर्ज में डूबता जा रहा है और सरकार सुरजेवाला का मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है, उनका मेथड मजबूत करना पड़ेगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा कर्ज में डूबता जा रहा है और सरकार सुरजेवाला का मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है, उनका मेथड मजबूत करना पड़ेगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा कर्ज में डूबता जा रहा है और सरकार सुरजेवाला का मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है, उनका मेथड मजबूत करना पड़ेगा। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री खट्टर पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के मैथमेटिक्स वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आदरणीय खट्टर जी, आइए गणित पर खुली बहस हो जाए, जगह और स्थान आप तय करें। सुरजेवाला ने कहा था कि हरियाणा प्रांत को 198,700 करोड़ कर्ज के नीचे आपने व भाजपा ने कैसे डुबोया, हर हरियाणवी पर 78,228 का कर्ज क्यों, 1,27,769 करोड़ कर्ज का पैसा गया का इंतजार रहेगा। हरियाणा के बजट पर सुरजेवाला का कहना है कि यह बजट जीरो परफॉर्मेंस और जीरो बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट ने हरियाणा के लोगों को 78,228 रुपए प्रति हरियाणवी को कर्जदार कर दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार में हरियाणा पर लगभग 1,90,000 रुपए कर्ज बढ़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा पर खट्टर सरकार में 280% कर्ज बढ़ गया है और खट्टर सरकार में हरियाणा में ना तो एक भी अस्पताल बना है और ना ही एक भी स्कूल और विश्वविद्यालय और थर्मल प्लांट का निर्माण हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं रणदीप सुरजेवाला ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हरियाणा सरकार का, खासतौर से खट्टर साहब का, जो बतौर वित्त मंत्री के तौर पर पहला बजट है, वो जीरो परफॉर्मेंस जीरो रिजल्ट बजट है। उस बजट में हरियाणा के लोगों को केवल 78,228 रुपया प्रति हरियाणवी का कर्ज मिला है। 5.5 साल में हरियाणा पर 280% कर्ज बढ़ गया, जो 48 साल में नहीं हुआ खट्टर साहब ने 5.5 साल में कर दिया। आज 1,90,000 करोड़ रुपए के करीब का कर्ज हो गया है। एक नया अस्पताल बना नहीं, एक नए युवा को नौकरी मिली नहीं, एक नई यूनिवर्सिटी बनी नहीं, एक नया बिजली घर बना नहीं, एक नई नहर बनी नहीं, एक नया उद्योग लगा नहीं, फिर ये लाखों करोड़ रुपया गया किसकी जेब में, इसका जवाब मुख्यमंत्री देते नहीं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।